वो जो भी था कयामत से कम नहीं था। पहाड़ों को चीर कर एक सैलाब गुजरा और सब कुछ तबाह कर गया। फिर न इमारतों की कोई हैसियत, न इंसानों की कोई मजाल, न जाने कितनों के आंसू दरिया की लहरों में मिल गए। वो सैलाब अब गुजर चुका है, लेकिन कुछ सवाल आज भी भटक रहे हैं, कुछ सिसकियां आज भी अपनों को पुकारती हैं, कुछ निशान जो अपनों की एक नजर को तरस रहे हैं, कुछ आवाजें जो लंबे वक्त तक मदद की उम्मीद में जिंदा रही लेकिन सुनी नहीं गई। एक ऐसी पहाड़ी जहां सैकड़ों इंसान फंसे थे लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं था। एक ऐसा रास्ता जहां केदार घाटी का भयानक मंजर आज भी वैसा ही है जैसा उस रोज था। और उन्हीं की तलाश में निकल पड़ी न्यूज 18 इंडिया की टीम उन बर्फीली वादियों के बीच, उन खतरनाक रास्तों से होकर। जूता अगर फिसला तो उसके बाद शायद मैं भी कैमरे पे नहीं होऊंगा। उन जानलेवा खाइयों से गुजर कर लगातार 10 दिन तक भूख प्यास से झगड़ते हुए। मुझे खुद अब चलने में लग रहा है कि शायद मैं कितनी देर और सरवाइव कर सकूंगा। 120 किलोमीटर के पैदल सफर के बाद न्यूज 18 इंडिया ने किया केदार घाटी में अब तक का सबसे मुश्किल सर्च ऑपरेशन। कुछ ऐसी तस्वीरों की तलाश में जो पूरे देश को हिलाकर रख दे, एक ऐसी हकीकत की खोज में जिसे फसाना समझकर भुला दिया गया। आधी हकीकत आधा फसाना, फसाना वो जो हम आज तक समझते आए और हकीकत वो जो हमने अब तक देखी ही नहीं। दिल कांप उठता है ये सोचकर कि केदारनाथ की तबाही से लड़कर भी तमाम लोग जिंदा थे, केदार घाटी के ऊपर एक महफूज जगह पर मदद की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन रास्ते इतने मुश्किल थे कि वहां किसी के होने का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। उन रास्तों पर कुछ दिन पहले SDRF की टीम को कुछ नर कंकाल मिले, मतलब यह था कि केदार घाटी के ऊपर कोई ऐसी जगह भी है जहां तबाही के कुछ अनदेखे निशान आज भी हैं। उन पहाड़ों पर चढ़ना बेहद मुश्किल है, बर्फीली वादियों के बीच एक गलत कदम जान ले सकता है, लेकिन तबाही से जुड़ी एक अनदेखी अनसुनी कहानी को तलाशने न्यूज 18 इंडिया की टीम ने उन इलाकों तक जाने का फैसला किया। इस सफर में हमारे साथ थे SDRF के कुछ जांबाज पर्वतारोही। इस सफर में हमें जो कुछ भी मिला, जो कुछ भी दिखा, वो सब कुछ आज आपके सामने होगा। उत्तराखंड इज डेवास्टेटेड बाय फ्लड। बड़े पैमाने पर बर्बादी और तबाही। उत्तराखंड की वो भयानक तबाही, 3,886 लोगों की मौत और 1,256 लोगों की गुमशुदगी, ये सरकारी आंकड़ा है। लेकिन सवाल ये कि क्या सिर्फ इन आंकड़ों को ही सच मान लिया जाए? क्या उस तबाही में हर मौत सिर्फ इन लहरों में सिमटकर हुई थी, या कुछ लोग थे जिन्होंने मौत से लड़कर एक महफूज ठिकाना तलाश लिया था,
लेकिन मदद का कोई हाथ पहुंचा ही नहीं, या यूं कहें कि पहुंचना मुमकिन ही नहीं था। 20 दिन पहले ही उत्तराखंड SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स को केदार घाटी से 31 नर कंकाल मिले थे। शायद कुछ ऐसे लोग जिनकी तलाश में उनके अपने अब तक भटक रहे थे। SDRF की टीम ने उन कंकालों का DNA टेस्ट करवाया। और पूरे रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। SDRF को उम्मीद है कि उन रास्तों से थोड़ा और आगे, थोड़ा और ऊपर ऐसे तमाम निशान अब भी मौजूद होंगे। शायद एक ऐसी जगह भी जहां कई दिन तक लोग महफूज रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ कोई नहीं जानता। खुद उत्तराखंड की सरकार मानती है कि उन रास्तों पर जाना आसान नहीं है। जिन लोगों ने वहां की ज्योग्राफी देखी है और वो लोग जानते हैं इस बात को, जिनको वहाँ का भूगोल मालूम है कि वो जगह जो है एक्सेसिबल प्लेसेस नहीं है, जो भी इसमें अपने को वॉलंटियर करना चाहते हैं उन सब का स्वागत है। लेकिन हम फैसला कर चुके थे कि जहां कोई नहीं गया वहां हम जाएंगे SDRF के पर्वतारोहियों के साथ। हमारी मंजिल थी उत्तराखंड की केदार घाटी और वहां मौजूद एक बेहद खतरनाक रास्ता जहां एक गलती का मतलब होगा मौत। ये सफर शुरू होना था सोनप्रयाग से, फिर गौरीकुंड, रामबाड़ा और केदारनाथ मंदिर होते हुए घाटी की एक अनदेखी मंजिल की ओर, जो केदारनाथ मंदिर से 25 किलोमीटर की चढ़ाई पर मिलेगी। न रास्ता होगा, न इंसान का वजूद, लेकिन तबाही के तमाम मंजर जैसे आज भी जिंदा खड़े होंगे। मिशन बहुत मुश्किल था, लेकिन तबाही से जुड़ी सबसे बड़ी कहानी के लिए इतना तो करना ही था। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से होकर हम अपने पहले पड़ाव सोनप्रयाग की तरफ निकल पड़े। ये मंदाकिनी नदी जो आज खामोश है, 3 साल पहले कयामत बनकर टूट पड़ी थी। के तमाम निशान हमारी आंखों के सामने थे, लेकिन हम जिन तस्वीरों की तलाश में निकले थे उनके सामने शायद ये नजारे कुछ भी नहीं थे। सोनप्रयाग रुद्रप्रयाग जिले में है और मैं दिखाना चाहूंगा वो मंदाकिनी और सोन गंगा का संगम। यहां से इन दोनों का मिलान होता है और ये जो है यहां से मंदाकिनी बनकर बहती है। वहीं दूसरी तरफ बाबा केदार का वो पहाड़ है, वो चोटियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी, मैं उन चोटियों को दिखाऊंगा आपको और वो चोटियाँ जो हैं वहाँ तक हमें पहुँचना है। मंजिल जितनी करीब दिखाई दे रही थी उतनी थी नहीं। सोनप्रयाग वही इलाका है जहाँ तमाम इमारतों, तमाम मंदिरों, तमाम गाड़ियों के पानी में समा जाने की तस्वीरें आई थी। आपदा का जो मंजारा हमने देखा है शायद वो जो लोग दूर बैठे हैं उनको इसका अनुभव भी नहीं है। इस तरफ आने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि नदी बहुत उफान पे थी। अपने बच्चों ने काफ़ी प्रयास करके रस्सी वगैरह ले गए, पेड़ डाला और उनसे जो है लोगों को इस तरफ निकाला। लोगों के लिए वो सब कुछ एक डरावना सपना है जो आज भी उन्हें चैन से सोने नहीं देता। एक जैसे आग का गोला आ रहा था आगे से और वो अपने साथ भयंकर लपेटे लेके आ रहे थे। सोनप्रयाग से हमारा सफर फिर शुरू हुआ। अगला पड़ाव था गौरीकुंड,
जहां हमें एसडीआरएफ की टीम का पहला दस्ता मिला। आगे का सफर पैदल ही तय करना था, इसलिए पूरी तैयारी के साथ हमारी टीम भी एसडीआरएफ के दस्ते का हिस्सा बन गई। दो दिन के सफर के बाद दिल्ली से आज हम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में आए हैं और रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग में हम इस वक्त हैं और अब गौरीकुंड की तरफ हम जा रहे हैं। गौरीकुंड पर जाने के बाद हमारा जो सफर रहेगा वो केदारनाथ की तरफ रहेगा और इस वक्त एसडीआरएफ की टीम भी हमारे साथ है, एसडीआरएफ का पूरा जत्था हमारे साथ है। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर का ये वो रास्ता है जो श्रद्धालुओं के लिए कुछ वक्त पहले ही खोला गया है, यानी पैदल जाने वाले लोग इसी रास्ते से केदारनाथ मंदिर जाएंगे। हमें बताया गया कि एसडीआरएफ की सबसे बड़ी टीम हमें केदारनाथ में मिलेगी और उन दुर्गम रास्तों का सफर वहीं से शुरू होगा। गौरीकुंड से लगभग 10 किलोमीटर हम यहां पर पहुंच चुके हैं भीमबली। समुद्र तल से ऊंचाई 2670 मीटर है और केदारनाथ अभी 10 किलोमीटर आगे है। इन पक्के रास्तों से गुजरकर हम रामबाड़ा की तरफ बढ़ रहे थे। रामबाड़ा जो 3 साल पहले तक एक बड़ा रिहायशी इलाका था, 2013 की तबाही में सबसे ज्यादा नुकसान रामबाड़ा में ही हुआ था। ये रामबाड़ा का इलाका है, यहाँ पर बताया जाता है कि जब केदार घाटी में 16-17 जून 2013 को प्रलय आई थी तो उसके बाद श्रद्धालु और जो यहाँ के स्थानीय लोग थे उनकी याद में यहाँ पर स्मारक बनाया गया और यहाँ पर ये स्मारक के लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर मंदाकिनी के सैलाब में अंतर्ध्यान रामबाड़ा और इस पर लिखा है, इस यात्रा पथ पर रह रह कर आएगी तुम्हारी याद हमें, उदास कर जाएगी लेकिन हमें रोना नहीं है, आंसुओं के सैलाब में तुम्हें खोना नहीं है। ये एक बैनर है जो याद दिलाएगा लोगों को और लोगों को अभी भी एक शक्ति देगा, क्योंकि जो यहाँ पर प्रलय आई थी उसके बाद उन लोगों की याद में यहाँ पर आज तक जब भी लोग जाते हैं, जितने भी भक्त आगे जाते हैं तो यहाँ पर जरूर एक बार नमन जरूर करते हैं। 3 साल की कोशिश के बाद प्रशासन ने बहुत कुछ सहेज लिया, लेकिन तबाही की वो सिहरन आज भी महसूस होती है। मंदाकिनी नदी के शोर में जैसे 3 साल पुरानी चीखें आज भी दबी हैं। ये है रामबाड़ा। 2013 में आई केदार घाटी के अंदर प्रलय के पहले यहाँ पर बहुत बड़ा बाजार लगा करता था। यहाँ पर होटल से केदार घाटी से आने वाले और केदार घाटी को जाने वाले लोगों के लिए यहाँ पर एक ठिकाना था, यहाँ लोग विश्राम करते थे। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पत्थर और नदी का पानी है, ये मंदाकिनी नदी है और यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा। यकीन नहीं हुआ कि हम जिन रास्तों से गुजर रहे थे वहाँ सैकड़ों आशियाने हुआ करते थे, लेकिन आज सन्नाटे के सिवाय कुछ भी नहीं। रामबाड़ा की सीधी चढ़ाई से होकर हम केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ते रहे। रास्ते में बहुत कुछ था जो आज भी उस जल प्रलय का गवाह है। मलबे का ढेर पहाड़ियों में तब्दील हो चुका है, नदियों के रुख बदल चुके हैं और आबादी का तो जैसे नामो निशान ही नहीं। चलते चलते शाम ढलने लगी, जो सफर दिन के उजाले में भी मुश्किल था वो रात के अंधेरे में नामुमकिन बन चुका था। 18 किलोमीटर के इस ट्रैक को हम सुबह से चल रहे हैं और अभी भी हमें 4 किलोमीटर और आगे जाना है केदारनाथ धाम तक, क्योंकि अब जो है ऑक्सीजन भी कम हो रही है, ठंड ज़्यादा हो चुकी है और साथ ही अब जो है सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि जितनी चढ़ाई हम चल रहे हैं उतना सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है और अभी लगभग अंधेरा हो चुका है। शाम के झुरमुट में हिमालय की सुनहरी चोटियां साफ दिखाई दे रही थी और हमारी मंजिल उन चोटियों के बेहद करीब थी। हमारा पहला ठिकाना था केदारनाथ मंदिर, जहां हमें रात बितानी थी और अगली सुबह एक बेहद मुश्किल सफर शुरू करना था। दिल में उम्मीद और हाथों में टॉर्च लिए हम केदार धाम की ओर बढ़ते रहे। इस वक्त हम बाबा केदारनाथ मंदिर में पहुंच चुके हैं, रात के 8 बज चुके हैं और हमारा सफर आज यहीं पर ख़त्म होगा, क्योंकि कल सुबह यहां से हम नरकंकाल की खोज के लिए आगे जाएंगे। लेकिन इस वक्त बाबा केदार का द्वार बंद हो चुका है और यहां पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, तो
अब हमारा जो सफ़र रहेगा वो सुबह का रहेगा, क्योंकि अब हमारे पांव जवाब दे चुके हैं, थकान इतनी है कि बता नहीं सकते, लेकिन एक जज्बा है और एक जोश है जिससे हम आगे बढ़ेंगे। कंपकपा देने वाली सर्दी के बीच वो रात हमें एसडीआरएफ के कैंप में बितानी पड़ी, इस उम्मीद में कि अगली सुबह हमारी मुलाकात उत्तराखंड में तबाही की सबसे बड़ी कहानी से होगी। केदारनाथ धाम के कपाट फिलहाल बंद थे, धर्मशालाएं सूनी पड़ी थी, मंदिर के आसपास सब कुछ दोबारा सज चुका है, लेकिन पहाड़ों पर 3 साल पुराना मलबा आज भी वैसा ही है। में 14 से 16 जून के बीच पानी की वो लहरें यहीं गुजरी थी, सब कुछ उजड़ गया, लेकिन केदार धाम को आज भी आंच तक नहीं आई। हमारी मंजिल का सबसे मुश्किल और सबसे खतरनाक सफर अब शुरू होना था, और हमारे साथ थे केदार घाटी के बचाव कार्य में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले एसडीआरएफ के कुछ जांबाज पर्वतारोही। हम इस वक्त केदारनाथ में हैं और केदारनाथ में अब हमारे साथ जो टीम है वो है एसडीआरएफ की। ये टीम उत्तराखंड की सबसे बेस्ट टीम कही जाती है, क्योंकि पहाड़ियों पर चढ़ने का इनके पास खासा अनुभव है। इस टीम को लीड कर रहे हैं, इंचार्ज है हमारे साथ जगदम्बा जी। जगदम्बा जी है, उनके साथ है कांस्टेबल सूर्यकांत तुमिया, कांस्टेबल मनोज जोशी, कांस्टेबल रवि चौहान, कांस्टेबल वीरेंद्र काला, कांस्टेबल प्रवीण चौहान, कांस्टेबल रोशन कोठारी, कांस्टेबल योगेश रावत। तो ये टीम है और अब हम यहाँ से चलेंगे काफ़ी ऊंची हाइट पर, और देखिएगा अब हमारा सफ़र जो अभी तक का है उसके बाद अब जो सफ़र है वो काफ़ी रोमांच वाला होने वाला है। तो चलिए हमारे साथ। ये जांबाज केदार घाटी के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, लेकिन जिस जगह की हमें तलाश थी उसकी जानकारी इन्हें भी नहीं थी। उस अनदेखी मंजिल की ओर हमारा सफर शुरू हुआ। न कोई सड़क थी, न पगडंडी, हमें पहाड़ के कच्चे रास्तों पर चलना था। आगे कितनी बर्फ मिलेगी, कितनी मुश्किलें होंगी, कोई रास्ता होगा भी या नहीं, इसकी हमें कोई भनक नहीं थी, लेकिन हर कदम के साथ बेताबी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि हम जा रहे थे केदार घाटी के ऊपर एक ऐसी जगह पर जहां तबाही के दौरान सैकड़ों लोग जिंदा थे, पानी के कहर से बचकर महफूज ठिकाने में छुपे थे, लेकिन फिर उनका क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। आधी हकीकत आधा फसाना। शायद आप नहीं जानते कि 3 साल पहले जब उत्तराखंड में सैलाब आया था तो कुछ लोग एक ऊंची पहाड़ी पर सुरक्षित पहुंच चुके थे। सैलाब से बचकर वो लोग केदार घाटी से 25 किलोमीटर ऊपर एक महफूज ठिकाने में छिपे थे, लेकिन फिर वहां क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। हमारी टीम उस अनदेखे सच की तलाश में निकल चुकी थी। केदारनाथ मंदिर के बाद उस अनजान मंजिल की ओर हमारा मुश्किल और खतरनाक सफर शुरू हुआ। आगे हमें जो कुछ भी मिला उसे देखकर दिल कांप उठा। बर्फीली वादियों के उस पार केदार घाटी के खतरनाक रास्ते, ₹120 किलोमीटर लंबा पैदल सफर, 10 दिन तक गहरी पड़ताल और उत्तराखंड में तबाही से जुड़ी सबसे बड़ी कहानी। ये जानना बहुत जरूरी था कि हम जिस इलाके की पड़ताल के लिए निकले हैं वहां हुआ क्या था, उसकी जानकारी आखिर मिली कैसे। 3 साल से केदार घाटी में भटक रहे एसडीआरएफ के पर्वतारोही उस इलाके के बारे में बहुत कुछ जानते थे। वो बता रहे थे कि तबाही के वक्त सैकड़ों लोगों ने जान बचाने के लिए इन रास्तों का रुख किया और कुछ दिन तक वहां महफूज भी रहे। जो शेपर्ड्स हैं, चरवाहे हैं,
उन लोगों को इन रूटों के बारे में पता था, लेकिन प्रॉपर वे नहीं था, बस वैली हैं तो वैलियों के बारे में पता था। वो लोग गए बचने के लिए, डिजास्टर का टाइम था, लोग गए, ठंड बहुत थी, 3 से 4 दिन तक लगातार बारिश हो रही थी, बहुत ही विषम परिस्थितियाँ थी, ठंड है, हाइपोथर्मिया हो गया, भूख प्यास हो गई, वाइट आउट हो रखा था, कोई उनको मदद नहीं मिल पाई, क्योंकि सर ये बिल्कुल निर्जन क्षेत्र है हिमालय का। इनमें कुछ लोकल लोग थे जिन्होंने गाइड किया और लोगों को भी कि हम रास्ता जानते हैं, तो वो उनके साथ हो लिए थे, तो उन्हीं के साथ चलते हुए वो ये रास्ते जो है 2-3 जगह जाता है, तो ऑब्वियसली लोग जो है बचने के लिए गाँव की तरफ ही चले। मतलब ये कि केदार घाटी में सैलाब से लड़कर भी सैकड़ों लोग जिंदा थे, एक अनजान जगह पर मदद का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी, न टीवी कैमरों को, न रेस्क्यू टीम को। उन इलाकों में पहली बार इंसानी कदम पड़ने वाले थे और कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आने वाली थी। केदार घाटी से लगभग 1.5 किलोमीटर अभी हमने सफर तय कर लिया है, और ये पहाड़ जो कटे आपको दिख रहे हैं, ये कटे पहाड़ नहीं है, बल्कि ये वो धाराएं हैं जो ग्लेशियर से बहकर आती हैं। और उस समय 2013 में जब प्रलय आई थी, तो इन धाराओं ने विकराल रूप धारण कर लिया था, और उसके बाद यहाँ से वो मंदाकिनी नदी में मिल गई, और उसके बाद इन्होंने जो कोहराम मचाया, उसके बाद पूरा जग जानता है कि क्या हुआ था। हर बढ़ते कदम के साथ धड़कनें भी बढ़ रही थी, सांस फूलती जा रही थी, लेकिन दिल में एक सवाल भी था कि आखिर सैलाब की लहरों के बीच सैकड़ों लोगों के लिए इन रास्तों पर चलना कितना मुश्किल रहा होगा। गरुड़चट्टी के इस इलाके में से लोग बचने के लिए निकले थे, और कुछ लोगों ने यहाँ पर विश्राम किया, लेकिन कुछ लोग डर से आगे निकल गए। अब हम उसी साइड जा रहे हैं, क्योंकि जिस ऊंचाई पर वो लोग चढ़े थे, तो हम भी कोशिश करेंगे कि हम उस ऊंचाई पर चढ़े। कंधे पर 25 से 30 किलो का वजन लेकर ऐसे दुर्गम रास्तों पर चलना कोई आसान काम नहीं था। ये रास्ते इतने दुर्गम हैं कि यहाँ चलना तो मुश्किल है ही, वहीं तेज हवा जो केदार घाटी से चल रही है, क्योंकि हिमालय है, बर्फ पिघल रही है, ग्लेशियर का जो ठंडा है, जो पानी है, उसकी ठंडक यहाँ पर है। और आपको मैं दिखाता हूँ, ये पाला पड़ चुका है जगह जगह पे, क्योंकि इस पाले को पार करके हमें जाना है, और सख्त हिदायत हमें दी गई है कि अगर हम इस साइड को देखें तो सामने मौत नज़र आती है, और इस खतरनाक रास्ते में लगातार जो पाला है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि इसकी ठंड भी बहुत तेज है। इन खतरनाक पहाड़ों पर गिरते संभलते हम आगे बढ़ते रहे। शायद उसी रास्ते पर जहां तबाही के वक्त सैकड़ों लोग जान बचाने के लिए निकले थे। ये घास को पकड़ के हम ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये दुर्गम रास्ता है और बेहद खतरनाक है, क्योंकि मेरे पीछे आप घाटी देख सकते हैं। इस घाटी को देखकर और इस रास्ते पर चलकर अब मुझे भी डर लगने लगा है, क्योंकि इस जो ठंडी हवाएं चल रही हैं उससे ऑक्सीजन भी अब मुझे सांस लेने में लग रहा है कि कुछ परेशानी हो रही है, और लेकिन सफ़र लंबा है। इस जगह पर भी लोग मौत हुई थी कुछ लोगों की, लेकिन उनके कंकाल तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमारा सफर जो है वो आगे को रहेगा। ये रास्ता चरवाहों के लिए है, और ऐसा अनुमान है कि स्थानीय चरवाहों के साथ तमाम पर्यटक भी इसी रास्ते से महफूज ठिकाने तक पहुंचे थे। हिम्मत जवाब दे रही थी, एक एक कदम मीलों से लंबा नजर आ रहा था, लेकिन आगे बढ़ने के सिवाय कोई रास्ता भी नहीं था। समुद्र तल से लगभग 4200 मीटर यानी कि 15,000 फीट की ऊंचाई पर इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं, और बहुत खतरनाक रास्ता है। मेरे पीछे हिमालय है,
वो देखिए हिमालय को देखने के बाद कॉन्फिडेंट तो बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरह का रास्ता है वो बहुत ख़तरनाक है। अब मैं यही चाहूँगा कि कुछ मिल जाए खाने के लिए, लेकिन हमारे पास इस वक्त खाने के लिए कुछ नहीं है। सूरज की आंख में चौली जारी थी, कुछ ही देर में शाम ढलने लगी, अंधेरा होने के बाद आगे बढ़ना नामुमकिन था, इसलिए रात गुजारने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने इसी जगह पर कैंप लगा दिया। आसपास पड़े कुछ सामान को देखकर ऐसा लगा जैसे सैलाब से बचकर कुछ लोग इस इलाके में भी रहे होंगे। एक तरफ एसडीआरएफ के जवान रात के खाने की तैयारियों में जुट गए तो दूसरी तरफ हमारी टीम ने आसपास के इलाके की पड़ताल शुरू की, और कुछ देर भटकने के बाद हमें वो पहली तस्वीर दिखी जिसकी तलाश में हम यहां तक आए थे। अब शाम हो चुकी है, लगभग 5:30 का समय है, और ये ट्रैक पर देखिए पूरा बर्फ है, और ये बर्फ पड़ी है जो ये काफी खतरनाक है चलने के लिए, क्योंकि इस वक्त हम नरकंकाल की खोज में है। इधर नीचे को भी यहाँ पर लोग रहे थे, तो उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद कहीं जो है नरकंकाल दिखाई दे, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें सफलता मिली है। देखिए ये आखिरकार हमें जरा नजदीक आइए विपिन पुजारी, मेरे कैमरा पर्सन, मैं दिखाना चाहूँगा ये नरकंकाल, देखिए हमने ढूंढ निकाला है। ये देखिए ये इसके दांत हैं, और इस नरकंकाल की जो खोपड़ी है इसको देख कर ये कहा जा सकता है कि यहाँ कहीं ये आराम कर रहे होंगे उस दौर में, क्योंकि 2013 की त्रासदी के बाद इन लोगों ने जहाँ जगह मिली वहाँ अपना बचाव किया, लेकिन ठंड, ऊपर से बारिश और ऑक्सीजन की कमी, जिसके बाद ये सभी जो है यहाँ पर से अब एक एक करके मौत के आगोश में चले गए। हमारी टीम ने उस नरकंकाल को एसडीआरएफ की टीम के हवाले कर दिया। एसडीआरएफ की टीम इनका डीएनए टेस्ट कराएगी, उनकी पहचान साबित की जाएगी, ताकि एक परिवार की तलाश अब खत्म हो और इन अस्थियों का संस्कार हो पाए। इस नरकंकाल का मिलना एक इशारा भी था कि हम सही जगह पर हैं। यहां से कुछ ही दूरी पर हमें बहुत कुछ मिलने वाला है, कुछ ऐसा जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा, लेकिन वो सफर शुरू होना था अगली सुबह। आधी हकीकत आधा फसाना। केदारनाथ मंदिर से करीब 25 किलोमीटर ऊपर उन बर्फीले पहाड़ों पर रात गुजारने के बाद हमारी टीम का सफर फिर शुरू हुआ। अब तक हमें एक नरकंकाल मिला था, न जाने कितने जूते चप्पल, न जाने कितनों के कपड़े दिखे थे, इसलिए हमने वो सफर जारी रखा, और आखिरकार हम उस तबाही के अनदेखे निशानों तक पहुंच गए। और सामने आई कुछ हैरान कर देने वाली तस्वीरें। सुबह की पहली किरणों के साथ ही हिमालय का खूबसूरत नजारा हमारे सामने था। एसडीआरएफ ने नाश्ते का इंतजाम किया और नए मिशन की तैयारी शुरू हो गई। हमारे कदम जिस रास्ते पर थे वहां 3 साल से कोई नहीं गया। आगे बढ़ते हुए ये ख्याल भी आया कि अगर इन रास्तों की जानकारी होती तो शायद आपदा के बीच फंसे सैकड़ों लोगों को बचाया जा सकता था। इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी हमारे आंखों के सामने थी। नजर दाईं तरफ की खाई पर जाती तो दिल सहम उठता, लेकिन पहाड़ की इन पगडंडियों के सहारे हम बढ़ते रहे। इसी रास्ते पर हमें कुछ पॉलिथीन की थैलियां दिखाई दी, जो इशारा था कि शायद आपदा से बचकर कुछ लोगों ने यहां भी ठिकाना तलाशा हो। लेकिन आसपास पड़ताल की तो हमें कोई नरकंकाल नहीं मिला। सफर दोबारा शुरू हुआ।
इस वक्त हम गोमकारा वाले इस रास्ते पर हैं, बेहद खतरनाक रास्ता है। लेकिन इस खतरनाक रास्ते पर ये कुछ चप्पल आपको दिखाई दे रही होंगी, हालांकि यहाँ पर कोई कंकाल हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये चप्पल और कपड़ों से अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर भी लोग वो बचने के लिए आए होंगे। एक दूसरे का हाथ थाम कर हम बढ़ते रहे। बेहद संकरे रास्तों पर एक एक कदम भारी पड़ रहा था, लेकिन SDRF के पर्वतारोहियों की हिम्मत हमें भी आगे बढ़ने का हौसला दे रही थी। मेरे पास बर्फ में चलने का कोई अनुभव नहीं है और ना ही मैंने ऐसा कोई कोर्स किया है कि बर्फ में चला जा सके। अब मुझे इतना डर लग रहा है कि मैं SDRF के जवान उनियाल साहब के साथ चल रहा हूँ और उनका सपोर्ट लेकर चल रहा हूँ, आप देख रहे हैं, क्योंकि जूता अगर फिसला तो उसके बाद शायद मैं भी कैमरे पे नहीं होऊंगा। और 3 साल पुरानी तबाही के कुछ और निशान हमारे सामने बिखरे पड़े थे। नरकंकाल की खोज के लिए हमारी टीम, जैसे हम सर्च कर रहे हैं तो ये जगह जगह देखिए, यहाँ पर भी लोगों की कुछ यहाँ पर सबूत हैं। ये देखिए, ये जीन्स है, ये जीन्स का मतलब है यहाँ पर लोग यहाँ पर आए थे बचने के लिए, और ये पैंट है क्योंकि ये सबूत है उन लोगों के जो यहाँ पर केदार घाटी से बचकर यहाँ पर आए थे ताकि इन पहाड़ियों में वो बच सकें। लेकिन इन पहाड़ियों में सबसे बड़ा उनका दुर्भाग्य ये था कि उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला और पीने के लिए भी कुछ नहीं मिला, और इन जगह पर ही उन्होंने अपना आशियाना बनाया था। शायद यही वो जगह थी जहां तबाही से बचकर लोगों ने सिर छिपाने की जगह ढूंढी थी। कुछ दूरी पर ही हमने दोबारा तलाश शुरू की और ये अनुमान सच साबित हुआ। यहाँ पर खतरा तो है ही, साथ ही नरकंकाल की मिलने के अंदेशा भी सबसे ज्यादा है। देखिए रास्ता बिल्कुल खतरनाक है, चलने में बहुत मुश्किल हो रही है और कोशिश कर रहा हूँ कि, हाँ जी सर, देखिए हमने कहा था ना, ये हमारी जो एक्सक्लूसिव खोज है, एक नरकंकाल और हमें मिला है यहाँ पर, क्योंकि ये देखिए ये नरकंकाल है यहाँ पर। इसका मतलब ये है, साफ है कि ये नरकंकाल जो है इसी जगह से लोग आए और यहीं पर उनकी मौत हो गई। और ये नरकंकाल को देखिए, यहाँ पर नरकंकाल की मौजूदगी जो है अपने आप में अचंभे वाली है। नरकंकाल जो है अधिकतर यहाँ पर लगातार मिल रहे हैं। और सर ये बताइए, ये कौन सी जगह है जहाँ पर ये मिला है? गोमकारा। गोमकारा ही जगह है, तो इस जगह पे ये लोग क्या यहाँ पर रुके होंगे या गिर गए होंगे? ऐसे लोग आते रहे जैसे 3-4 दिन से कंटिन्यू, इतना लंबा ट्रैवल आपने देखा ही होगा ऊपर से, हो सकता है यहाँ पर हिम्मत हार गए हों, बॉडी में जो है ग्लूकोज की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी, तो मुझे लग रहा है इस चक्कर से जो है हो सकता है इनकी डेथ हो गई। छानबीन और तेज हो गई। SDRF के जवानों के साथ हमारी टीम ने भी इलाके को खंगालना शुरू किया। कुछ देर की तलाश के बाद हमें एक और कामयाबी मिली। हाँ जी दीपक जी, कुछ मिला क्या? हाँ मिला है, देखिए एक और कंकाल यहाँ पर मिला है। देखिए एक और कंकाल यहाँ पर है, एक और कंकाल यहाँ पर है। ये देखिए ये कंकाल जो है इस जगह पर कैसे आया इसका तो हमें नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि ये वहाँ से गुजरे हों, हो सकता है भूख प्यास से ये लोग मरे हों, हो सकता है यहाँ पर आराम करने के लिए रुके हों, या हो सकता है या किसी जानवर का शिकार हो गए हों। तो हम अभी SDRF की टीम को ये सौंपेंगे, क्योंकि इन लोगों का जिम्मा है, जितने भी यहाँ पर मिलते हैं तो मैं इनसे ये भी पूछूंगा कि आप लोग इसमें क्या DNA के लिए क्या लेते हैं? ये दांत हो गया, अभी इसमें हमें सैंपलिंग के लिए सिर्फ दांत ही मिल पाएगा, अदरवाइज इस हड्डी का एक चूरा एक टुकड़ा हम निकाल के रख लेते हैं। 10 दिन लंबी पड़ताल और 120 किलोमीटर के पैदल सफर के बाद केदार घाटी की सबसे ऊंची पहाड़ी पर हमें 3 नरकंकाल मिले। वो जो टीम मेंबर जिस तरह से इतनी विकट परिस्थितियों में और स्वयं पूरे SDRF के जवानों के साथ मिलकर इन सभी जगह गए, उसकी मैं सराहना भी करता हूँ। और सही मायने में एक दूसरी एजेंसी के द्वारा थर्ड पार्टी के रूप में, जो आप लोगों ने भी वहाँ की परिस्थितियाँ देखी होगी, कितनी विकट परिस्थितियों में हमारे लोगों ने अपने कार्य को, ड्यूटी को अंजाम दिया है, तो आप उनकी जो चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है उनको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।
मुमकिन है कि इन पहाड़ों के दूसरे रास्तों पर ऐसे तमाम निशान अब भी बिखरे पड़े हों, लेकिन फिलहाल हमारा आगे जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए ये सफर हमें यहीं खत्म करना पड़ा। लेकिन इस सफर से एसडीआरएफ की टीम को अगली मंजिल जरूर मिल गई। काश उस वक्त कोई इन पहाड़ों पर महफूज बैठे लोगों की आवाज सुन पाता तो सैकड़ों की जान बच सकती थी। इस मुश्किल सफर के बाद हम वो हकीकत तलाशने में कामयाब रहे जिसे फसाना समझकर भुलाया जा चुका था। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत आधा फसाना।